हमारा प्रिय मित्रों, सुबह संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने आज का संदेश प्रभु के दास एंड्रयू गुसोर्ट से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह के हमारे अध्ययन के लिए हम ध्यान से देखेंगे पहला योहन्ना अध्याय 4 कलम 7 से 20 तक। सच्चे प्रेम इसका एक अच्छा वर्णन हम इन जगहों में देख सकते हैं। सबसे पहले परमेश्वर ये बताते हैं कि जब हम परमेश्वर का प्रेम चख लिया तो हम अपने भाइयों को प्रेम करना है, और भाइयों में ऐसे प्रेम अवश्य होना क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर संपूर्ण प्रेम है, और परमेश्वर से जो कोई जन्मा है वो भी अपने भाइयों को प्रेम रखेंगे और प्रेम करेंगे। प्रेम एक चिन्ह है कि हम परमेश्वर से जन्मा है, और कभी अपने भाई के और विरोध में या उनमें ईर्ष्या नहीं रखेंगे, केवल प्रेम से अपने भाई से व्यवहार करेंगे। और दूसरी एक बात हम इस जगह में देख सकते हैं, परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए भेजा, और हम प्रेम की प्रगढ़ इस तरह देखा कि उसने हमको जीवित रखने के लिए अपने प्रिय पुत्र को दिया है। हमारे में जीवन होने के लिए परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को दिया है। प्यारो, ये कितनी धन्य बात है, परमेश्वर के पुत्र का जीवन हमारे में रहने के लिए परमेश्वर पिता अपने पुत्र को दिया। दूसरी एक और बात हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अपनी एकाकी जनित पुत्र इसलिए भेजा, प्रेम करके भेजा, ताकि हमारे लिए प्रायश्चित बलि हो, हमारी अधर्म के निवारण के लिए, अधर्म हमसे दूर रखने के लिए परमेश्वर ने अपने एकाकी पुत्र को प्रायश्चित के रूप में दिया। प्रेम ऐसे पिता हमारे ओर दिखाया। और उसके आगे हम देख सकते हैं परमेश्वर का प्रेम हमारे में बना रहते हैं क्योंकि परमेश्वर अपने आत्मा को हमारे जीवन में दिया है, ताकि ये गवाही हमारे हृदय में बने रहे और बताते रहे कि हम परमेश्वर के पुत्र के और जन्मा है, और परमेश्वर के पुत्र हमारे पापों की प्रायश्चित हुआ है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा बारंबार हमारे हृदय में बताते रहते हैं, गवाही देते रहते हैं। जब परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया तो हम भी
अपने भाइयों को प्रेम करना अवश्य है। और इतना में नहीं है प्यारो, परमेश्वर का सिद्ध प्रेम हम आगे और देख सकते हैं। हमारी ओर आने वाली भयानक न्याय दंड से परमेश्वर ने हमको बचाया। परमेश्वर का प्रेम इसलिए प्रकट हुआ कि आने वाले भयानक दंड हमारे प्रति आने वाला था, परंतु परमेश्वर का पुत्र हमारा दंड लेकर अभी मसीह यीशु में जो कोई है उस पर दंडाज्ञा नहीं है, न्याय दंड नहीं है। और प्यारो, परमेश्वर कैसा हमारे ओर प्रेम किया है, फिर हम देख सकते हैं सच्चा प्रेम और सिद्ध प्रेम में किसी प्रकार का भय नहीं। भय कैसा आया? भय मृत्यु के द्वारा आया। मनुष्यों के मन में हमेशा एक भय है, एक भी है, वो यह है कि मृत्यु आने वाला है। लेकिन हमारे प्रभु अपने पुत्र के द्वारा, मसीह के द्वारा मृत्यु के ऊपर विजय होकर मृत्यु से हमको बचाया। कितनी धन्य बात है प्यारो, हम परमेश्वर का प्रेम ऐसा पाने के लिए कोई योग्य नहीं था। हमारा परमेश्वर हमको जीवित रखने के लिए अपने पुत्र को दिया, हमारे प्रायश्चित बलि के लिए उसका एकाकी जनित पुत्र को दिया। हमारे ओर परमेश्वर ने अपने आत्मा को भेजा। प्रेम बारंबार हमारे हृदय में पवित्र आत्मा बताते और गवाही के रूप में, साक्षी के रूप में बताते रहते हैं। सिद्ध प्रेम परमेश्वर हमारी ओर दिखा के हमारी ऊपर आने वाली भयानक दंड से हमको बचाया, और मृत्यु की भीड़ी से, भाई से परमेश्वर ने हमको बचा के रखकर प्रेम दिखाया। सिद्ध प्रेम ये भी नहीं है, परमेश्वर हमारे ओर प्रेम करके प्रेम शुरू किया है। हम नहीं जानते थे प्रेम क्या है, लेकिन परमेश्वर ने हमारी ओर प्रेम करके प्रेम शुरू किया है हमारे जीवन में। परमेश्वर ने प्रेम शुरू किया, प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न किया, तो ये प्रेम हम आपस में, भाइयों के जीवन में और हमारे संसार में बताने के लिए प्रभु हमारी ओर इच्छा रखते हैं। इतना नहीं प्यारो, परमेश्वर का प्रेम, उद्धारकर्ता का प्रेम सारे जगत के ओर प्रकट किया है। हाँ, ये आज सुबह हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देते हैं, ताकि हम भी परमेश्वर के पुत्र के समान प्रेम करके दुनिया में उसका प्रेम प्रगट चिन्ह हमारे जीवन के द्वारा हम प्रकट करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।